Hey guys, my friend, welcome back to another video. Guys, today we are going to play the Free Fire Tactics video with Karo. आज मैं ऐसी कस्टम बना रखा था ऐसी प्रैक्टिस करने के लिए सोलो वर्सेस डुओ। तब क्या हुआ, रैंडम हैकर मेरे गेम में आ चुका है। जी हाँ गाइस, रैंडम हैकर, और ये हैकर बहुत खतरनाक है। क्या एमबॉट हैक है इसके पास, प्रैक्टिस एड शॉट मारता है, और साथ में टेलीपोर्ट हैक भी है। तो ये मैच बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आ जाए तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन पे सेट कर देना। तो अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, और सामने से मैंने फ्रेंडली फायर ऑन कर रखा था तो वो उधर भसड़ मच जाती है। पहले आप ऊपर देख सकते हो कि एक राउंड मैं जीता हूँ, दो राउंड वो जीते हैं, तब जो थर्ड राउंड होता है ना जिसमें वो जीत जाते हैं, तब मुझे पता चलता है वो हैकर है, क्योंकि उसका हेड बहुत ही खतरनाक मारता है वो। अभी आप देखना इसमें मैं क्या करता हूँ उसके साथ, पूरा तगड़ा वाला बदला लूँगा। तो आप पट्टे से हेड शॉट पे मैंने भी बहुत ही तगड़ा बदला ले लिया हेड शॉट के साथ, एडम का हेड शॉट। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, देख लेना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये वाला जो मैच होने वाला है ना बहुत ही खतरनाक होने वाला है। आखिर में पता चलेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो एंड तक ज़रूर देखना। और मैं उसके साथ चैट भी बात भी करूँगा उसके साथ। और हाँ, मैं ये रिकॉर्ड कर रखा था, अभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो अभी इस समय मैं दो दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वॉइस ओवर, तो इस समय उस हैकर की आईडी बैन हो चुकी है। मेरे पास कल मैसेज आया था और डायमंड रॉयल के फ्री वाउचर भी मिल गए थे, तो बस अच्छा हुआ उसकी हैक, मैंने उसे मना करा था लेकिन बंदा मान ही रहा। उसके पास दो आईडी थी, एक वो वाली थी जिसमें उसने हैक नहीं करा था, ये इसकी दूसरी वाली आईडी थी। वो तो इसने चैट करते करते मुझे बताया था कि जो मेरी प्रो वाली आईडी, और खुद को हैकर नहीं बता रहा था, खुद कह रहा था मैं हैकर नहीं हूँ। देखा हेड भाई साहब, इतना खतरनाक हैड मारा था ना इसने, तब जाके मुझे पता चल गया था, पक्का भरोसा हो गया था कि हैड पक्का हैकर है। तो आप बस इन्जॉय करना इस वीडियो को, क्योंकि अब देखते हैं क्या होता है, वो जीतता है मैं जीतता हूँ, दोनों एक दूसरे का बदला तो ज़रूर लेंगे, देखते हैं क्या होता है। आ चुके हैं अपने फिफ्थ राउंड पर, और ये वाला राउंड बहुत ही खतरनाक होने वाला है। सामने आप देख सकते हो उसने अपने एक बंदे को आउट कर दिया फ्रेंडली फायर से, वो तो वैसे भी छोड़ के चला गया था, मतलब सोलो वर्सेस सोलो ही चल रहा था, लेकिन बहुत खतरनाक मैच होगा, क्योंकि उसका हेड जो मारता है ना वो इतना खतरनाक हैकर मैंने ज़िंदगी में पहली बार ये हैकर आया मेरे गेम में। मैं सोचता था यार एक बार हैकर के साथ खेलता हूँ मज़ा आता है, लेकिन ये वाला हैकर बड़े खतरनाक था भाई, मज़ा ज़रूर आया मुझे। अब आप देख सकते हो वो सामने से पूरा ग्लो लगा के आ रखा है, और मैं यहाँ पर आराम से बैठा हुआ हूँ, क्योंकि बाहर निकला तो हेड लगना ही है, तो इसमें आराम से छुप के खेलना ही बहुत ही अच्छा है मेरे लिए। वो सामने से हो गया, मारने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन लग नहीं रहा शॉट, थोड़ा हालत खराब हो जाती है ना ये हैकर है भाई। ये देखा भाई साहब, इस बार हेड शॉट नहीं मिला था, लेकिन एक ही गोली में उसने पूरा हालत ख़राब कर दी थी मेरी। वो वहाँ से आ रहा है, देखना एकदम से उस सामने आ जाए, और जो हेड शॉट लगता है ना थोड़ा सा हेड लगा लेकिन बहुत सही, और वो अपना हैक यूज़ कर नहीं पाया, उस वजह से वो मर गया। आप बस एक बॉट ही बचा है, बॉट तो आराम से मर जाएगा क्योंकि वो बॉट है, जो बॉट है वो बेचारा नट छोड़ के चला गया, वही छोड़ के चला गया गेम, कहता है हैकर के साथ नहीं खेलना, मेरा माइंड मेरा पता चले बैन कर दिया है फ्री फायर वालों ने, बड़े नशे करते हैं वैसे ही। यहाँ पे हम आगे अपने सेवन्थ राउंड पे, और उसके चार और मेरे तीन, तो मतलब बराबरी सी हो रही है। लेकिन अब वो जो अपना हैक तगड़ा वाला यूज़ करेगा ना, देख सामने उसने उसको मार दिया है हेड, अब देखना कैसे वो मेरे को भी उड़ाएगा, मेरी खोपड़ी खोल देता है भाई साहब, इतनी पूरी तरह मारता है ना। अभी वो मैं सोच रहा था कि पीछे से जाऊंगा और उसको तब पकड़ दूंगा, लेकिन ना भाई, हैकर तो हैकर ही है, तो मेरे खोपड़े खोल देगा। अब देखना उस सामने से बगल देखो, सामने से आ रहा है वो वहाँ पर, तो मैंने सोचा कि पीछे चलता हूँ, और पीछे मतलब सही था, लेकिन बस क्या करे, हैकर तो हैकर ही है। अभी देखना क्या करता है वो मेरे साथ, बहुत ही बुरा हाल कर देगा मेरे, होता है कोशिश मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन मिस, देखना भी क्या हुआ। ये देखो A150 लग गया, लेकिन वो देखा हेड, देखो कैसा मारा है भाई साहब, और अपने आप को कह रहा मैं हैकर नहीं हूँ। अरे चाचा सबको बताया कैसे कि कौन हैकर है और कौन प्रो, ये तो पता ही चल गया आप लोगों को कि हैकर है कि
आ गया अपने आठवें राउंड पे, और ये आठवां राउंड भी बहुत खतरनाक होने वाला है। अब पूरी कोशिश कर रहा हूँ जीतने की, लेकिन कहाँ जीतने देगा हैकर, कह रहा है जीतना तो है ही मुझे। अब फ्री का मिला है भाई कस्टम, तो क्यों ना जीता ही जाए। अब वो यही सोच रहा होगा, अब क्या करें, अपन भी कुछ नहीं कर सकता। अब जब सामने हैकर है तो क्या कर सकते हैं, बच ही सकते हैं। अब तो एक तो ये आ गया, इसकी वजह से उसको समझ कर दिया कि मैं कहाँ पे हूँ, इसकी वजह से मैं निकल गया। थोड़ा दिमाग लगा के थोड़ा सैड आ गया, क्योंकि अब वो आएगा ना, उसको पता चल जाएगा आवाज कि मैं किधर हूँ। तो मैंने इधर थोड़ी सी गलती कर दी, मेरा जो वो है ना थंब वो लग गया मेरा फायर वाले बटन पे, जिससे उसे मेरी एक कॉल बार जगह पता चल गया। वो देखो उधर आ गया, मैं बीच से गली से निकल जाऊँगा। थोड़ा दिमाग से खेलना जरूरी है, अब सामने हैकर है, थोड़ा दिमाग से लगाना जरूरी है। लेकिन कहाँ दिमाग लगाएं, कहाँ लगाएं भाई दिमाग, जब ये देखो कैसे निकल रहा है। हद है भाई साहब, कुछ शर्म लिहाज ही नहीं है। छोड़ दो भाई, थोड़ा सा रहम करो, शर्म करो थोड़ी सी, हैक मत यूज़ करो, बात ही नहीं मानते हैं भाई। हम आ गए अपने 9th राउंड पे, और उसके 6 मेरे 3 पॉइंट से आ गए। अब तो जीतना मुश्किल है, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा जीतने की। वहाँ पे उसने AWM का अपना फटका दे दिया अपने मित्र को, क्योंकि वो छोड़ के चला गया है, वो मजे ले रहा है वो, क्योंकि हैकर है क्या कर सकता है। अब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जीतने की, बीच गली से कहाँ से निकल के शॉर्ट रेंज में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भाई शॉर्ट रेंज में आने ही नहीं दे रहा है, क्योंकि मुझे पता है AWM ले रखे, शॉर्ट रेंज में नहीं चल पाएगा वो। अब मैं पूरा ध्यान से आराम आराम से देख देख के जा रहा हूँ कि बंदा है कहाँ, ऊपर है नीचे है दाएं बाएं कहीं तो होगा, लेकिन वो सामने खड़ा था, वो मज़े में जा रहा है। अब उसे क्या दिक्कत है, अब मैं थोड़ी ना हैकर हूँ, हैकर तो वो है। वो निकल लिया सामने, अब मुझे भी जाना पड़ेगा सामने साइड में, अब लड़ाई तो करनी पड़ेगी। लेकिन उस समय अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता तो थोड़ा देख के, मतलब जो वो नहीं मिला। अब देखो एलिमिनेट होके मर गया, मतलब कुछ भी नहीं, एलिमिनेट होके मर गया। मैंने 3 गोली शॉर्ट रेंज वाली गन डबल बैरल से मारा, लेकिन ना भाई ये अपने ही नशे में घूम रहा है। तो अभी ये वाला जो राउंड है ना, ये वाला तो भाई उसका हैक तो पता चल जाता है, उसके पास मूवमेंट हैक भी है, वो टेलीपोर्ट होके भी आ सकता है। ये 10वां राउंड है, इसके बाद 2 राउंड और बचेंगे। हम आ गए अपने 10वें राउंड पे, और ये 10वां राउंड पता चलता है कि कौन जीतेगा कौन नहीं, क्योंकि अगर वो जीत गया तो वो जीत ही जाएगा, और मैं जीत गया फिर मुझे एक और राउंड जीतना पड़ेगा। तो अभी मैं सबसे ऊपर मोमटी पे आ गया हूँ, डबल क्या कहते हैं इसे, जो भी घर है ना, इस घर पे आ गया मैं छत पे। अब मैं सोच रहा था कि उसके ऊपर से मार दूंगा, लेकिन वो भी कम नहीं है, वो भी छुप छुप के ही आ रहा है, क्योंकि उसे पता है कि इस वाले में वो ऊपर ही चढ़ेगा, क्योंकि वो उसे पता है मैं हैकर हूँ, तो वो थोड़ा चीटिंग करके ही खेलेगा। लेकिन इस मैच में मैंने कभी भी एक भी बार नेड यूज़ नहीं करा है, क्योंकि कस्टम में नेड यूज़ करना अच्छी बात नहीं है, तो मैंने यूज़ करा नहीं। वो पटापट अपना AWM चलाया जा रहा, मुझे हल्का सा भी मैंने पीक दी तो मेरे को गंजा कर देगा, ऊपर से वाइट वाले जो बाल है ना बूढ़े वाले, वो पूरा गंजा कर देगा मुझे। तो यहाँ पे करी मैंने नेड, क्योंकि अब कुछ नहीं कर सकता मैं, देखो कुछ भी नहीं कर सकता। अभी मैं बोल रहा था नेड करनी है सही बात नहीं, लेकिन हैकर के सामने अब क्या कर सकते हैं, तुम ये बताओ। नेड करना पड़ेगा, लेकिन तब भी नेड लगा नहीं, मैंने सोचा कि उसके बाद शॉर्ट रेंज में जाऊँ, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती थी मेरी, मुझे भी पता है। वो तो मैं वॉइस ओवर करने के बाद बता रहा हूँ, उस समय तो नहीं लगी थी मुझे। अब देखना वो पीछे की साइड में है, ठीक है, देखो कहाँ कहाँ लगाया इसने, देखा आपने, वो यहाँ पे नहीं था, वो यहाँ पे नहीं था, वो सामने था, लेकिन इसने लगाया कहाँ, यहाँ पे। अब देखो 6-5 हो गया है, वो एलिमिनेट हो चुका है, मतलब मुझे अभी एक और राउंड होगा जीतने के लिए। लेकिन ये वाला राउंड ना, उसका मेरे हिसाब से हैकर पता चल जाता है वो कि कितना खतरनाक हैकर है वो। अभी हम आ गए अपने 11th राउंड पे, और 11th राउंड आखिरी राउंड होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ।
बता देता हूँ मैं हार जाता हूँ, लेकिन कोशिश पूरी करी मैंने अपनी। अब ये 11th राउंड में मैं सोचता हूँ फेंस के बगल से जाऊँगा, जैसे पहले भी मैं गया था और हेड शॉट मार दिया था उसको, तो तुक्का लग गया था। लेकिन इसमें भी मैंने मार दिया था, लेकिन उसने जो हेड मारा है ना, मेरे वाइट बाल गंजा कर दिया पूरा, मुझे टकला टक्की बना दिया मुझे, ठीक है।